का उपयोग हृदय की ध्वनि की आवर्धित करने युक्त रूप से करते हैं। स्टेथोस्कोप के एक सिरे पर एक चेस्ट पीस लगा होता है जिसमें संवेदनाशील डायाफ्राम होता है। दूसरी ओर दो पीस लगे होते हैं जो एक नली द्वारा चेस्ट पीस से जुड़े होते हैं। चिकित्सक स्टेथोस्कोप का टेस्ट पीस आपके हृदय के स्थान में श्रोतिकाओं से स्पंदों की ध्वनि का अध्ययन करते हैं जिससे उन्हें आपके हृदय की स्थिति का आकलन में सहायता हो सके। आइए आसपास में उपलब्ध स्टेथोस्कोप का एक मॉडल बनाना सीखें। क्रियाकलाप 11.2 6 से 7 सेंटीमीटर व्यास की कीप लीजिए। कीप में स्तंभ पर रबड़ की नली लगभग 50 सेंटीमीटर कसकर लगाइए। कीप के मुख पर रबड़ की एक झिल्ली गुब्बारे को तान कर लाइए। रबड़ के बैंड की सहायता से कस कर लीजिए। अब रबड़ की नली को मुक्त सिरे पे रख दीजिए को अपने एक कान के पास रखिए और कीप के मुख को उसके वक्ष के हृदय के निकट ले जाए। सावधानी पूर्वक ध्वनि को सुनने का प्रयास कीजिए। क्या आपको नियमित स्पंदन ध्वनि सुनाई दे रही है? यदि ध्वनि स्पंदों की ही है तो आपका हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? 4 से 5 मिनट दौड़ने के बाद पुनः हृदय स्पंदन की ज्ञात कीजिए। अपने प्रेक्षणों की तुलना कीजिए। आपने तथा आपके मित्रों की विश्राम अवस्था में 4 से 5 मिनट में दौड़ने के बाद हृदय स्पंदन तथा नाड़ी में पल्स की दर सारणी 11.2 रिकॉर्ड में क्या आपको उनके हृदय का स्पंदन नाड़ी के बीच में कोई संबंध दिखाई दे रहा है? प्रत्येक हृदय स्पंदन धमनियों में एक स्पंद उत्पन्न होता है। प्रति मिनट की धमनियों को स्पंद हृदय की दर बताती है। देखिए आपको यहाँ पे दर्शाना है, ठीक है। हृदय के विभिन्न कक्षों में लयकर्ष गति जिसे परिसंचरण तंत्र पदार्थों की परिवहन को बनाए रखने का काम करती है। बुजो जानना चाहता है कि क्या स्पंज और हाइड्रिक को भी रक्त होता है। स्पंजो हाइड्रिक जैसे कि परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। जिस जल में वे रहते हैं वही उनके शरीर में प्रवेश कर भोजन ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता। जब जल बाहर आता है तो अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है। परिसंचरण जिस तरीके से आप देख रहे हो कि परिसंचरण तो क्या हो जाता है, जिसमें बाहर लाने का काम किया जाता है, उन्हें परिसंचरण हेतु रक्त के समान सरल आवश्यक नहीं होता। आइए अब हम शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त अन्य अपशिष्ट पदार्थों का निकासी के विषय में अध्ययन करेंगे। चलिए 11.2 जंतुओं में उत्सर्जन। आपको याद होगा शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े द्वारा किस प्रकार उच्छ्वसन के प्रक्रम के दौरान शरीर के बाहर आता है। यह भी ध्यान दिया होगा कि अपचित भोजन बहिक्षेपण प्रक्रम द्वारा मल के रूप में बाहर निकाल दिया। आइए अब हम मालूम करें कि अन्य अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर ये अपशिष्ट पदार्थ आते कहाँ से हैं। तो जब हमारी कोशिकाएँ अपना कार्य करती है तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में निमुक्त, अधिकांश ये पदार्थ विक्षात होते, इसलिए शरीर के बाहर निकालने की आवश्यकता। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन सभी अंगों में उत्सर्जन तंत्र के बने होते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाला जाता है। यह किस प्रकार से होता है, इसके लिए रक्त को छानने की व्यवस्था की आवश्यकता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए तो यह व्यवस्था गुर्दों की उपस्थिति में कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध हो जाती है। जब रक्त दोनों वृक्कों में पहुंचता है तो इसमें से उपयोग और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ उपयोगी पदार्थ में पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं। घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र रूप में पृथक हो जाते हैं और वृक्कों से मूत्र वाहिनियों से होकर मूत्राशय में जाते हैं। मूत्र वाहिनियां नली के आकार की होती हैं। मूत्राशय में मूत्र संचित हो जाता है और मूत्राशय से एक पेशीकीय नली जुड़ी होती है जो मूत्र मार्ग की ओर जाती है। मूत्र मार्ग दूसरा सिरा खुलकर मूत्र रंध्रों कहते हैं, जिसे मूल मूत्र शरीर से बाहर निकलता है। वृक्क मूत्र वाहिनी मूत्राशय मूत्र मार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र के बने होते हैं।
कोई वयस्क व्यक्ति 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र करता है, जिसमें कि 95% जल से 2.5 यूरिन 2.5 अपशिष्ट पदार्थ। यह हम सभी का अनुभव गर्मियों में श्वेत आता है, श्वेत जल और लवण होते हैं। और बुजों ने यह देखा है कि गर्मियों के दिनों में प्रायः पसीने के कारण कपड़ों में सफ़ेद विशेषकर उन स्थानों में जहाँ अधिक पसीना आता है, ये धब्बे उपस्थिति के लवणों के कारण होते हैं। क्या श्वेतन पसीने आने का कोई विशेष प्रयोजन है? हम जानते हैं कि मिट्टी के बने घड़े में रखा ठंडा पानी हो जाता है, इसी के कारण कि घड़ों में के छिद्रों से रिस कर पानी उनकी भारी सतह पर आता है। जब यह पानी वाष्पित होता है तो घड़े में बचा शेष पानी ठंडा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार पसीने भी हमें अपने शरीर को ठंडा बनाए रखने में सहायता करते हैं। तो आप देखते हो कि अब क्या होता है, ज़्यादा गर्मी हो जाने के कारण आपको कभी कभी क्या हो जाता है, ज़्यादा गर्मी लगने लगती। तो अपशिष्ट पदार्थ तो किस कारण से, जैसे कि हमारे शरीर से पूरा पसीना निकलने लगता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। 11.3 पादपों के पदार्थों में परिवहन। अध्ययन एक में आपने पढ़ा कि पादप अपनी मूल द्वारा मृदा से जल, खनिज, पोषण अवशोषण कर पत्तियों में उपलब्ध पत्तियां, जल, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधों के लिए भोजन बनाती है। अब आपने पहले पार्ट में देखा था कि किस तरीके से पेड़ पौधे अपना भोजन प्राप्त करते, तो प्रकाश संश्लेषण के साथ क्रिया कर वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अध्ययन 10 में आपने यह भी पढ़ा था कि सभी जीव भोजन के लिए ऊर्जा का स्रोत, जीव की प्रत्येक कोशिका ग्लूकोज का विखंडन होकर ऊर्जा निमुक्त हो जाती है। तो अब हमने क्या पढ़ा था कि किस तरीके से भोजन बनाते हैं, तो ऊर्जा क्या करती है, ऊर्जा का स्रोत होता है। तो प्रत्येक कोशिका मतलब बटकर विखंडन होकर मतलब बटकर निमुक्त हो जाती है। कोशिकाएँ इस ऊर्जा का उपयोग कर मूल क्रियाविधियों को संपादित करती है, मूल क्रियाविधि बनाने का काम करती है। यह आवश्यक है कि जीव की प्रत्येक कोशिका में भोजन उपलब्ध कराया जाए, मतलब हर जीव के लिए, जैसे पेड़ पौधे हो गए तो उनके लिए भी मतलब भोजन उपलब्ध कराया जाए। तो ये सारी चीज़ें जैसे हमको भोजन की आवश्यकता पड़ती है। क्या आपने कभी ये प्रश्न पर विचार किया, पौधे की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा पोषण तत्व किस तरह पहुँचाया जाता है? पौधे वे भाग है जो भोजन नहीं बना सकते, लेकिन पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं? पौधे अपना भोजन नहीं बना सकते, लेकिन पत्तियों द्वारा किस प्रकार से वह अपना भोजन प्राप्त करते हैं? खनिज का परिवहन। जल एवं खनिज का पादप मतलब जड़े द्वारा खनिज को अवशोषित करते हैं और मूल रोम होता है। वास्तव में मूल रोम जल में घुले खनिज पोषक तत्व और जल में अंतग्रहण मूल की सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। मूल रोम द्वारा मृदा कणों के बीच में उपस्थित जल संपर्क में आता है। तो क्या होता है, जो जड़ें होती है वो कहाँ होती है, जमीन के अंदर होती है। खनिज मूल रोम मतलब बीज का जो भाग होता है, वास्तव में वो घुले हुए खनिज पदार्थ में जल के अंतग्रहण के लिए मूल की सतह का क्षेत्रफल मतलब कि उसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण वो क्या करते हैं, जल की उपस्थिति मतलब जल के संपर्क में आती है। क्या आप अनुमान लगा सकते हो, आप पता लगा सकते हो कि जल किस प्रकार से मूलों की पत्तियों तक पहुंचता है, किस तरीके से वो वहां तक पहुंचाया जाता है, पादप में किस प्रकार परिवहन तंत्र पाया जाता है, जिस तरीके से हमारे शरीर के अंदर रक्त को हर जगह पहुंचाने का काम किया जाता है, तो उसी तरीके से पौधे में पानी को किस तरीके से पहुंचाया जाता है? जी हाँ, बूझो सही है। पादप में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वहिकाएं होती हैं। वहिकाएं विशेष कोशिका की बनी होती है, संवहन उत्कर की बनी होती है। अब क्या बोला बूझो ने, बोला हाँ कि पोषक तत्व परिवहन के लिए पाइप जैसी वहिकाएं बनी होती है, जैसे कि उनकी डंडियाँ बनी होती है, तो पहुंचाने का काम करती है। सवन उत्कर्त बनाती, उत्कर्त कोशिकाओं को समूह में किस प्रकार जीव में कार्य कर संपादित करता है? जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में सवन उत्कर्त होता है, जिसे दारु जाइलम कहते हैं। दारु में चोनलों का सतत जाल बना होता है जो मूलों के तने तथा शाखाओं के माध्यम पत्तियों से जोड़ता रहता है, और इसी प्रकार तंत्र पूरे पादप में परिवहन संचरण तंत्र चलता रहता है। तो किस तरीके से वो क्या करता है, एक दूसरे को मतलब उसकी जो शाखाएं होती है उसको एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम
करता रहता है, तो जिस तरीके से शाखाएं तने माध्यम से जुड़े रहते हैं, पत्तियों से जोड़ता रहता है, तो जिस वजह से क्या होता रहता है, पानी का जो संचरण तंत्र है, जैसे हमारे शरीर में रक्त का चलता है, तो इस तरीके से परिवहन होता रहता है। आप जानते हो कि पत्तियों को भोजन में संश्लेषित करती है, भोजन के पादपों में सभी भागों तक ले जाया जाता है। यह कार्य का एक सवन उत्कर्ष द्वारा क्या किया जाता है कि किस तरीके से पत्तियों के में मतलब भोजन तक ले जाया जाता है, भोजन किस प्रकार से उनको प्राप्त होता है, तो सवन उत्कर्ष द्वारा पोषवाह कहते हैं, फ्लोएम के नाम से इसे जाना जाता है। देखिए मूल रोम में और इस तरीके से पहुंचाने का काम किया जाता है। ठीक है, प्रकार जाइलम और फ्लोएम पादपों में पदार्थ में परिवहन का काम करते हैं। चलिए क्रियाकलाप 11.3, हमें इस क्रियाकलाप के लिए कांच का गिलास पानी, लाल शाही, एक कोमल शाक के पौधे की टहनी, उदाहरण के लिए बालसम व ब्लेड की आवश्यकता होगी। गिलास को एक तिहाई पानी से भर लीजिए, उसमें कुछ बूंदे लाल शाही की डाल दीजिए, एक कोमल शाक के पौधे की टहनी के आधार को एक ब्लेड की शाही से काट कर गिलास में के चित्र में दिखाया गया है, और अगले ही दिन इसका अवलोकन कीजिए। देखिए तो हमको क्या करना है, गिलास लेना है, उसमें शाही लेनी है, रंग डालना है, आधा गिलास पानी से भर लेना है और पौधे की एक टहनी लेनी है। चलिए अब आगे, क्या शाक की टहनी का कोई भाग लाल रंग का दिखाई दे रहा है? टहनी की अनुप्रस्थ काटिए तथा इसके अंदर लाल रंग का अवलोकन कीजिए। हाँ, पौधे का भाग लाल रंग का दिखाई दे रहा है। वाष्पोत्सर्जन, कक्षा 6 में आपने पढ़ा था कि वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा अधिक जल निमुक्त हो जाता है। पादप मृदा में खनिज में पोषक तत्व जल अवशोषित होकर अवशोषित किया गया सारा जल पादप द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता। पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों में वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम के द्वारा जल वाष्पित हो जाता है। पत्तियों में जल वाष्पन चूर्णक मतलब क्या होता है, खिंचाव होता है, विकसित हो जाता है। यह वैसे ही जैसे कि आप स्ट्रॉ से जल का चूषण करते हैं और विशाल वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल का अभिकर्षण खिंचाव, इसी प्रकार जिसे वाष्पोत्सर्जन पादप में ठंडा रखने में सहायता मिलती है। तो सतह में क्या हो जाता है, जो उसकी सतह होती है वहाँ पर वाष्पोत्सर्जन जल वाष्पित हो जाता है, जो पत्तियों पर लगा रहता है तो क्या हो जाता है, उसे सोख लेने का काम करती है पत्तियाँ। तो विशाल वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल होता है तो क्या करते हैं, उसे सोखने का काम करती है। तो उससे क्या होता है, पेड़ पौधे में ठंडा रखने में मतलब उनको ठंडा रखने में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। ठीक है, अब आपका ये पाठ यहाँ पे ख़त्म होता है, तो आपको इसका अभ्यास पूर्ण करना है। ठीक है, धन्यवाद।